इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए व्यू जानेंगे। कल एक्सपायरी का डे है, एक्सपायरी में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही साथ मार्केट का जो अभी सेंटिमेंट है, मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर है उसको जान लेते हैं। मार्केट पूरी तरह से बुलिश है, देखिए निफ्टी पूरी तरह से बुलिश है, थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन हुआ है, यहाँ पर जो आज हाई ब्रेक हुआ पिछले दिन का, लेकिन पहले निफ्टी नीचे आया फिर ऊपर गया, तो मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है और हम यहां तक आ सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर देखिए ट्रेंड लाइन की बात करें, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक निफ्टी आ सकता है इसी फ्लो में। देखिए रिवर्सल कहीं से भी हो सकता है, जैसे रिवर्सल होगा तो हम आपको बताएंगे। अगर इस फ्लो की बात है तो ये इस फ्लो में ये यहां तक कम से कम आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन आने के बाद थोड़ा सा पाउज ले, थोड़ा सा यहाँ पर रुके निफ्टी, फिर इसको ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो फिर हमें एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। अब बात कर लेते हैं कल के एक्सपायरी के लिए। तो देखिए आज का जो मार्केट रहा, निफ्टी जो है यहाँ पर ओपन हुआ, साथ साथ नीचे आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर लेने के बाद ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट रीजन है, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट रहा है, तो ये सपोर्ट रीजन है 17,240 से लेकर के 17,200 का लेवल, तो ये 40 पॉइंट का जो रीजन है ये सपोर्ट रीजन है और यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। तो कल अगर काफी ज्यादा गैप अप होता है, निफ्टी अप होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए तो ये सपोर्ट का काम करेगा। तो काफी ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होने के बाद प्राइस एक्शन किस हिसाब से वहां पर बनता है उस हिसाब से ट्रेड करना होता है। लेकिन अगर यहाँ से गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद नीचे आता है निफ्टी, तो हो सकता है ये इस रेंज में ट्रेड करे। तो ज़्यादातर संभावना है कि अगर गैप डाउन हुआ तो रेंज में ट्रेड करेगा, अगर गैप अप हुआ तो फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी के लिए। वही निफ्टी बेयरिश कब होगा, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता है तो निफ्टी बेयरिश नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पर निफ्टी साइडवेज हो जाए, लेकिन बेयरिश होने के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ब्रेक करे तब जाके बेयरिश होगा। वही बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है क्योंकि यहाँ इनसाइड कैंडल बना है, पिछले दिन के कैंडल के हाई को ब्रेक बैंक निफ्टी नहीं कर पाया। तो मार्केट सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है, मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, अगर इसके हाई को निकालता है तो फिर एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी हमें देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी बेयरिश कब होगा, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो बैंक निफ्टी का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो बेयरिश तब हो जाएगा जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अब बात करें कल के लिए, तो कल के लिए जो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, देखिए कई बार 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स यहाँ पर टच किया है, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होता है तो हम इंट्राडे में तब तक के लिए बेरिश नहीं होंगे। तो जब यहाँ पर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तो यहाँ पर डीप दिखाए और फिर जैसे रिवर्सल दिखने लगे तो आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे भी ये भी कैंडल बैंक निफ्टी लास्ट टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, अगर ये काफी ज्यादा गैप अप हो जाता है और इस लेवल के ऊपर चला जाता है जो कि प्रीवियस हाई है 38,180 का, तो फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगा। अदरवाइज इसके नीचे रहता है तो फिर आपको एक डिप देखने मिलेगा, अगर यहाँ पर गैप अप भी ओपन होता है लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है तो एक फिर से डिप देखने मिलेगा, तो फिर बैंक निफ्टी कल साइडवेज ट्रेड कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।